तो गाइस फाइनली मैं इस तरह की एडिटिंग का एक और ला चुका हूँ। 15 अगस्त की फोटो एडिटिंग आ चुकी है, वो भी गर्ल्स के साथ। तो गर्ल्स इस तरह की एडिटिंग होगी। तो गाइस मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो गाइस इस तरह का फोटो एडिटिंग होने वाला है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना। और जितनी PNG मिलेगी उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगा, जाकर उनको भी डाउनलोड कर लेना। तो गाइस सबसे पहले आपको 8 फोटो पर जाना होगा। 8 फोटो पर क्लिक करके गाइस आपको जाना होगा, अपने फ़ोटो को चूज कर लेना होगा। गाइस इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो आप फोटो बनाना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस इसको मैं यहाँ पर साइड में रखता हूँ। तो गाइस मैं इसमें एक और ले लेता हूँ गाइस, गर्ल्स की PNG। तो गाइस 8 फोटो पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ और गाइस मैं वो PNG ले लेता हूँ। तो गाइस ये रहे वो PNG, मैं इसको भी ले लेता हूँ और डन पर क्लिक कर लेता हूँ। साइज मैं इसका यहाँ पर रखूँगा कुछ इस तरीके से गाइस, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। और इसको भी अब मैं साइज थोड़ा इसका बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से कुछ गाइस। तो मैं थोड़ा इसको और सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस इस तरीके से। तो गाइस इतना करने के बाद मैं इसको थोड़ा इसका साइज में थोड़ा गर्ल्स का थोड़ा छोटा रख लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ मैं गाइस। और इसका मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा। इतना करने के बाद गाइस आपको ओके पर राइट पर क्लिक कर लेना होगा और PNG यूज कर लेनी होगी इसमें। फिर सेट फोटो पर जाना होगा। तो गाइस मैं PNG ले लेता हूँ आपके सामने, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और जो PNG है वो भी ले लेता हूँ आपके सामने। तो गाइस मैं ये वाली PNG ले लेता हूँ, तिरंगे की PNG ले लेनी है आपको और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेनी है गाइस। फिर रिमूव पर जाना है आपको, इरेज पर क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। फिर से राइट पर क्लिक कर देंगे गाइस। तो गाइस फिर से आपको राइट पर क्लिक कर लेना होगा और गाइस इसमें मैं इफेक्ट यूज करने होगा आपको। 8 फोटो पर जाता हूँ। तो गाइस मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ये कुछ डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है दो, ये वाली PNG। तो इनका आपको यहाँ पर सेट कर लेनी है कुछ ये, और इसका ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेंगे इतना, और इसका भी इतना कर लेंगे गाइस, इसकी भी ओपेसिटी इतनी कर लेंगे। तो गाइस इसको मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ मैं। तो गाइस फिर से आपको 8 फोटो पर जाना होगा, फिर से PNG ले लेनी होगी। तो मैं PNG ले लेता हूँ गाइस, थोड़ा वेट करो। तो गाइस ये रही वो PNG, एक ही रही, और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, दोनों PNG को ले लेना है। तो गाइस आपको ये वाली PNG ले लेनी है कबूतर की, इसको भी जाकर इसको फिर आपको साइड से निकाल लेना है और ब्लेंडिंग पर क्लिक करके स्क्रीन कर लेना है। और इसको भी मैं स्क्रीन कर लेता हूँ ब्लेंडिंग पर जाकर, ब्लेंडिंग पर क्लिक किया स्क्रीन कर लिया, इसको भी स्क्रीन ही कर लेना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करके स्क्रीन कर लेना है दोनों को। तो वैसे इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ सबसे पहले, और इसको यहाँ पर सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, सेट कर लेना है। और उसके बाद इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से। तो वैसे इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसको मैं साइड से घुमाकर इसका साइज में फुल कर लेता हूँ इतना। तो वैसे इसका साइज आपको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस मैं इतना करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर लेना होगा फिर से। तो गाइस ये आगे का प्रोसेस में आपको सिर्फ सेव कर लेना है फ़ोटो को, शेयर पर क्लिक कर लेना होगा, डन पर क्लिक कर लेंगे, फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।